क्वेश्चन ए, इक्वेशन ऑफ ए मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज स्टार्टेड एट टी इज इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, व्हेन डज पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे कब आ जाएगा? तो वेलोसिटी देखनी पड़ेगी, वेलोसिटी निकालते हैं तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं डी एक्स बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका फाइव, साइन को करेंगे तो कोस 20 टी प्लस फाइव बाई थ्री इसके बराबर होगा, इसको अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी ऑफ 20 टी प्लस फाइव बाई थ्री इसके बराबर होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, इसका तो कितना होगा जीरो होगा, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 20 इधर भी आते हैं 100 कोस 20 टी प्लस फाइव बाई थ्री इसके बराबर होगा। फर्स्ट टाइम रेस्ट पे आ गया v जो है v व्हेन v जीरो तो यहाँ पे जीरो पुट कर दो कोस 20 टी प्लस फाइव बाई थ्री वो किसके बराबर होगा जीरो के बराबर होगा, 20 टी प्लस फाइव बाई थ्री जीरो पे कब होता है फाइव बाई टू पे होता है और थ्री फाइव बाई टू पे होता है, यहाँ पे हमने एंगल जो है जीरो से 360 के बीच में ही देखने हैं, तो 20 टी वो किसका होगा फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई थ्री और ये हो सकता है 20 टी इज इक्वल टू थ्री फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई थ्री इसके बराबर होगा, टी की वैल्यू निकालनी है ऊपर तो क्या जाएगा फाइव बाई सिक्स अपॉन 20 और यदि यहाँ पे करते हो टी ऊपर कितना आता तीन तिया नौ और छः सात हो जाता सेवन पाई हो जाता सेवन पाई बाई सिक्स अपॉन 20 कौन सा टाइम पहले आ रहा है ये वाला टाइम पहले आ रहा है हमें बता रहा फर्स्ट एव जीरो फर्स्ट कम्स टू रेस्ट तो जो टाइम है वो किसके बराबर होगा पाई अपॉन 120 सेकेंड पे होगा उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी इतने टाइम के बाद जीरो हो जाएगी ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट्स पे फर्स्ट है जीरो एक्सेलरेशन एंड फर्स्ट है मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होती है मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जहां पे एक्स जो है जीरो हो वहां पे एक्सेलरेशन जो है ए की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहां पे होगी जब एक्स की वैल्यू जो है ए हो सॉरी फर्स्ट है जीरो एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन जहां एक्स की वैल्यू जीरो हो तो गलत बोला एक्स की वैल्यू जीरो हो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो के बराबर होगा। स्पीड मैक्सिमम कहां होती है वी v की वैल्यू जो है मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है ए ओमेगा वह भी x इज इक्वल टू जीरो पे होती है। मैक्सिमम स्पीड जो है वो कहाँ पे होती है वो ए x की वैल्यू जहाँ जीरो के बराबर हो v इज इक्वल टू ओमेगा v स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आप इससे भी निकाल सकते हो जब x जीरो होगा तब इसकी वैल्यू क्या मैक्सिमम होगी ठीक है वो दोनों x इज इक्वल टू जीरो पे होती है तो इस एक्स के लिए जीरो पुट कर देते हैं जीरो इज इक्वल टू फाइव साइन 20 टी प्लस फाइव बाई थ्री इसके बराबर होगा तो इसका मतलब साइन जो है 20 टी प्लस फाइव बाई थ्री वो किसके बराबर होगा जीरो के बराबर होगा और साइन जीरो कब होता है जब एंगल हमारा 180 डिग्री हो या 360 हो पाई हो और 2 पाई हो इसमें से पहला कौन सा रहा पाई आ रहा तो 20 टी पाई माइनस पाई बाई थ्री वो किसके होगा 2 पाई बाई थ्री टी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी 2 पाई बाई थ्री अपॉन 20 2 से कैंसिल हो जाएगा पाई बाई थर्टी पाई बाई थर्टी पे उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो होगा। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है जीरो होता है
और वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये हमारे आंसर है, कम्स टू रेस्ट जब टाइम हमारा क्या होगा, पाई अपॉन 120 होगा। एक्सेलरेशन जो है, यदि ध्यान से देखें ये सिचुएशन कैसी है, एक्स की वैल्यू जब टाइम जीरो है तो ये यहाँ पे गई है, तो यहाँ पे जब ये इधर जाएगा तो यहाँ मैक्सिमम पोजीशन में जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब मीन पोजीशन पे इसका एक्सेलरेशन जो है जीरो होगा, वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे टाइम जो ज़्यादा लगेगा, जितना टाइम यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा पाई अपॉन 120 प्लस टी बाई फोर, टी बाई फोर यहाँ से निकालना चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हो, प्लस टी बाई फोर। 20 जो है वो क्या ओमेगा के बराबर है, वहाँ से आप वो निकाल सकते हो, उतना टाइम लगेगा, ठीक है। टी जो है 2 पाई अपॉन 20 के बराबर है, ये 10 हो जाएगा, 120 पाई कॉमन आ जाएगा इधर 1, ये 40 है तो 3 हो जाएगा, 4 अपॉन 120 पाई, पाई अपॉन 30, वही सेम आ जाएगा, पाई अपॉन 30 आया हुआ है, ठीक है।